हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बटीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हम लोग इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स और इन दोनों का इंटरेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। अगर फूड चेन के बारे में बात करें तो हमें ये पता है कि लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। सो लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। इनमें से सिर्फ प्लांट्स ही होते हैं जो कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ रखी है। अगर हम बात करें फूड के बारे में, या सब फूड के बारे में बात करें, तो अगर फूड चेन के बारे में बात करें तो वी नो कि ग्रास प्रोड्यूसर है और ग्रास इज ईटन बाय डियर। ओके, मतलब डियर का जो फूड है वो है ग्रास और डियर इज इटन बाय लायन। सो लायन ने शिकार किया डियर का। सो ये जो बीइंग इटन, डियर ने ग्रास को फिर लायन ने डियर को, इसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन। इसको हम लोग बोलते हैं Okay. इसमें एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। यहाँ पे एनर्जी का फ्लो होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ये मैं इसलिए बोल रही हूं, ये बात हम लोगों ने सुनी भी है कि खाना खाओ एनर्जी मिलेगी, वैसा वाला ही है। सो डियर ने ग्रास को फिर लायन ने डियर को, मतलब फूड, इनके लिए वो फूड हो गया। सो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर भी होगा। जब डियर ग्रास को एज अ फूड लेगी तो उससे एनर्जी मिलेगी, फिर लायन को डियर से। तो यहाँ पे डायरेक्शन, जो एनर्जी का फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में, और बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन, उसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल का सिंबल है और ये इन डायरेक्शन का। फिर अगर हम लोग बात करें तो हर हैबिटेट में एक अलग फूड चेन होती है। तो दो तरह के हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, एक तो एक्वाटिक फूड चेन के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक्वाटिक फूड चेन, और दूसरा हम लोग बात करेंगे टेरेस्ट्रियल फूड चेन। अगर हम अब सबसे पहले अगर एक्वेटिक फूड चेन के बारे में बात करें, एक्वेटिक फूड चेन, सबसे पहले अगर हम लोग एक्वेटिक फूड चेन के बारे में बात करें, मतलब एक्वेटिक वाटर के अंदर जो फूड चेन चल रही है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर वीड को कौन खाएगा? स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को लार्ज फिश। हम लोगों ने सिर्फ फिश के बारे में, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, फूड वेब में भी देखेंगे। सो मैं एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बता रही हूँ। सो वीट इज इटन बाय स्मॉल फिश और स्मॉल फिश इज इटन बाय लार्ज फिश, ठीक है। दूसरा है टेरेस्ट्रियल फूड चेन में, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन के बारे में। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल फूड चेन के बारे में, ठीक है। टेरेस्ट्रियल फूड चेन के बारे में अगर हम पढ़े तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक प्लांट,
फिर रैबिट जो कि प्लांट, जिसके लिए प्लांट फूड है, फिर रैबिट के लिए स्नेक, और फिर ईगल। ओके सो ये है टेरेस्ट्रियल का फूड चेन, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन। पर ये तो हम लोगों ने एग्जांपल्स ले लिए हैं कि फूड चेन है तो ऐसा ही होगा, पर नेचर में हमें यही देखने को मिले ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर प्लांट या ग्रास की बात करें, ग्रास भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये थोड़ी ना होता है कि ग्रास लिखा है तो रैबिट ही ग्रास को खाएगा। ग्रास को बहुत सारे एनिमल्स का फूड होता है, काव का होता है, गोट का होता है, माउस का होता है, सो बहुत सारे चीजों का होता है, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स का होता है। सो ये तो हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे इजीली फॉर्म में कर लिया है, पढ़ने को आसान बनाने के लिए हमने एक फूड चेन जैसा बना लिया। नेचर में तो आपको फूड वेब देखने को मिलता है। सो अगर हम लोग फूड चेन देख लिया, ये फूड चेन होता है, हम लोगों ने एक्वेटिक फूड चेन के बारे में भी देख लिया, टेरेस्ट्रियल फूड चेन के बारे में देख लिया, दोनों के साथ यही होता है, आपको फूड चेन नेचर में नहीं देखने को मिलेगा, इकोसिस्टम में आपको फूड वेब देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हम लोग फूड वेब के बारे में बात करते हैं, फूड चेन के बारे में बस इतना ही था। और यहाँ पे भी सेम बात है, एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, फूड वेब भी एक्वेटिक में भी होता है, टेरेस्ट्रियल में भी होता है, नेचर में इनफैक्ट फूड वेब भी होता है। अगर बात ही कर ले तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो जैसे ग्रास, किसका फूड हो सकता है ग्रास? रैबिट का हो सकता है, माउस का हो सकता है, गोट का हो सकता है, काऊ का हो सकता है, सो और भी बहुत सारे हैं जिनका, डियर का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, ठीक है। अब माउस की अगर बात करें तो ये आउल का भी हो सकता है, स्नेक्स का भी हो सकता है, ओके सो माउस किन किन का फूड हो सकता है? आउल का हो सकता है, स्नेक्स का हो सकता है, या और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अब रैबिट यहाँ पे भी स्नेक आ सकता है, ठीक है। अब स्नेक्स के एग्जांपल में आगे अगर फिर स्नेक की बात करें तो स्नेक में आगे काइट आ सकता है, गोट की बात करें तो यहाँ पे जैकल, गोट की बात करें अगर यहाँ पे तो यहाँ पे जैकल आ सकता है, फिर यहाँ पे ये फिर लायन हो गया। अब लायन का सिर्फ जैकल ही नहीं, रैबिट भी हो सकता है, ठीक है। और माउस में अगर बात करें तो वाइल्ड कैट हो सकती है। अगर हम लोग माउस की बात करेंगे तो वाइल्ड कैट हो सकती है, इसको भी लायन हो सकता है। सो क्या एकदम वेब सा, वेब मतलब जाल सा हो गया है ना, कुछ समझ। यहाँ पे कितना सीधे सीधे फॉर्म में लिखा है, ये चेन के फॉर्म में लिखा है, इसके फूड चेन बोलते हैं, पर नेचर में ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग काउ लिख लो, डियर भी लिख लो, तो बहुत, फिर डियर का भी रैबिट लायन हो गया, सो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो ये वेब की फॉर्म में एक जाल सा बिछ गया है, इसीलिए हम लोगों ने इसको फूड वेब बोला है, ठीक है। आपको नेचर में यही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक एनिमल सिर्फ जरूरी नहीं है कि एक लायन सिर्फ वाइल्ड कैट का शिकार करे, जरूरी नहीं है, वो गोट का डायरेक्टली कर सकता है, जैकल के फॉर्म में ना करके वो डायरेक्ट गोट पे आ जाए, ठीक है, तो डायरेक्ट काउ पे, कुछ भी हो सकता है नेचर में। एक एनिमल का फूड सिर्फ दूसरा एक ही एनिमल नहीं हो सकता, बहुत सारी और दूसरे भी हो सकता है, ठीक है। ये हम लोगों ने ना पढ़ा भी था बायोटिक कंपोनेंट्स में, हम लोगों ने जैसे पढ़ा था ये प्रोड्यूसर होता है, फिर ये कंज्यूमर, ठीक है। सो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं फूड चेन और फूड वेब के बारे में, इतना ही आप लोगों के सिलेबस में जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें लेकर ही अब हम लोग आगे जाएंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखना
कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये सारे डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी अगर आप लोग डाउट क्लियर नहीं करोगे तो ये चीजें और बढ़ती जाएगी और इन्हीं चीजों को यूज करके चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा। जैसे हम लोगों ने बायोटिक कंपोनेंट पढ़ा, उसके बारे में भी हम लोग अभी तक देख ही रहे हैं प्रोड्यूसर के बारे में, फिर ए बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। सो ये सारी चीजें लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड में, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगी। उससे पहले मेक श्योर कि आप लोगों का यहाँ तक कोई भी डाउट ना रहे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को बता सकते हो। सो थैंक यू, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट।